चलिए आइए, आज हम सिंगल मूवेबल पुली के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली बार हमने सिंगल फिक्स्ड पुली पढ़ा था। तो सिंगल फिक्स्ड पुली में मैकेनिकल एडवांटेज वन रहता है, तो उसमें फोर्स मल्टीप्लाई नहीं होता है। हालांकि वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लेकिन हम अभी इसको कैसे हम पुली को यूज करके मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ा सकते हैं, तो वो हम मूवेबल पुली से कर सकते हैं। तो ये एक ही पुली है, तो ये रिजिड सपोर्ट हम लेंगे। तो रिजिड सपोर्ट में एक साइड में एक स्ट्रिंग यहाँ लगाएंगे और ये पुली है। तो पुली का एक्सिस देखिए फिक्स नहीं है, क्योंकि यदि हम इसको यहाँ फोर्स लगाते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे हम ऊपर खींचेंगे तो ये पुली ऊपर चले जाएगा। तो ये एक्सिस इज नॉट फिक्स्ड, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मूवेबल पुली। इट्स एक्सिस इज मूवेबल। ठीक है, तो लोड हम यहाँ पर लगाते हैं, ये लोड हो गया। अभी जब हम इसको ऊपर खींचेंगे एफर्ट, तो एफर्ट ऊपर की तरफ हो रहा है इसमें, तो यहाँ एक टेंशन डेवलप करेगा और यहाँ भी एक टेंशन डेवलप करेगा। और इस पुली का भी अपना वेट है, वो भी नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पुली को, सिंगल पुली को हम यूज कर सकते हैं, ताकि हम इसको मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ा सकें। अभी मैकेनिकल एडवांटेज कैसे बढ़ता है, आइए हम देखते हैं। तो इसमें एफर्ट हो गया टी, है ना, दिस एफर्ट इज इक्वल टू दिस टी। एंड लोड यदि हम देखते हैं कि दिस लोड इज बैलेंस्ड बाय टू टीज। जैसे मान लीजिए इसको दो आदमी उठा रहे हैं, है ना, तो इसलिए टू टी आएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, एल बाई ई टू टी बाई टी, दैट इज टू। तो मैकेनिकल एडवांटेज टू हो गया, तो इसलिए ये फोर्स मल्टीप्लायर हो गया, तो हमारा एडवांटेज आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज आ गया, क्योंकि हम फोर्स इज मल्टीप्लाइड टू टाइम्स। दैट मीन्स यदि हम इसको, यदि 100 न्यूटन है इसको उठाना चाहते हैं, तो यहाँ 50 न्यूटन लगा सकते हैं। तो 50 हम लगाएंगे, मशीन बनाएगा इंटू टू, दैट इज़ 100। ठीक है, तो आधे फोर्स से हम उसको उठा सकते हैं, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ गया। अभी वेलोसिटी रेशियो हम देखेंगे, डी ई बाई डी एल। तो डी ई मान लीजिए इसको आपने एक्स ऊपर खींचा, तो ये लोड कितना जाएगा। अभी ये जो एक्स है, ये हमने ऊपर खींचा है, तो इधर भी बटेगा और इधर भी बटेगा, तो ये एक्स बाई टू हो जाएगा। तो हाफ इधर और हाफ इधर, क्योंकि दोनों तरफ है ये। ठीक है, तो दोनों तरफ से एक्स होना है, तो हाफ हाफ होगा। तो ओवरऑल ये ऊपर की तरफ हाफ जाएगा, तो आ जाएगा टू। तो एफिशिएंसी क्या है, एम ए बाई वी आर। सो टू बाई टू वन और 100%। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता है कोई भी मशीन का, लेकिन ये हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर जो फोर्स है वो नेगलेक्ट किया और वेट ऑफ द पुली वो नेगलेक्ट किया। तो लेकिन ड्यू टू द फोर्स हियर इन द एक्सल एंड ड्यू टू द वेट ऑफ द पुली, बिकॉज दिस इज फ्री, दिस इज मूवेबल, सो वी आर अप्लाइंग एफर्ट टू लिफ्ट दिस पुली ऑल्सो, तो इसलिए एफिशिएंसी कम हो जाएगा प्रैक्टिकली। ठीक है, दो फोर्स के कारण इसका दो कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ गया इस केस में, लेकिन डिफ़िकल्टी क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो एक प्रॉब्लम ये है कि वी हैव टू अप्लाई द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना डिफ़िकल्ट होता है, पहले मैंने बताया, सो वी शुड चेंज इट। तो हाउ टू चेंज इट, तो सिंगल फिक्स्ड पुली कैन चेंज द एफर्ट, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, है ना। तो इसलिए हम इसको सिंगल फिक्स्ड पुली यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है, इसको हम सिंगल फिक्स्ड पुली के हेल्प से हम इसका जो डायरेक्शन है इसको चेंज कर देंगे। देखिए अभी ये आ गया, तो यहाँ से इसमें आ जाता, तो ये एफर्ट
यहाँ आ गया, एक बार टेंशन आ गया, तो ये एफर्ट यहाँ नहीं रहेगा. देन लोड विल रिमेन टू टी ओनली, एफर्ट इज इक्वल टू टी. तो इस तरह से मैकेनिकल एडवांटेज में भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इसका मैकेनिकल एडवांटेज वन है, तो वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा. लेकिन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सेकेंड पुली? तो इट इज जस्ट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, है ना, टू द कन्वीनियंट डायरेक्शन. तो इसलिए ये सेकेंड पुली का हेल्प लेते हैं हम लोग. लेकिन ये लगाने से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा.